दोस्तों आज तारीख है 15 फरवरी 2020 दिन शनिवार और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फाइनली मार्केट में आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में जो इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जारी की गई हैं। शुरुआत के कुछ पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं जिसमें रिक्रूटमेंट के कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। रिक्रूटमेंट की पहली नोटिफिकेशन आती है पेज नंबर 4 से इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए। कुल मिलाकर के 12 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसके लिए CA या फिर ICWA पोस्ट ग्रेजुएट और MBA कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। न्यू दिल्ली यहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 रुपये पर मंथ यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑफलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 5 से डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तरफ से, जहां पर वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट असिस्टेंट और फील्ड वर्कर के लिए। कुल मिलाकर के 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ITI में फिटर ट्रेड के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। 18 से 35 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और दिल्ली जॉब लोकेशन रहने वाली है। 15,000 से लेकर के 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। वॉक इन कंडक्ट किया जाएगा 6 मार्च 2020 को। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 8 से एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर मैनेजर्स और ऑफिसर्स के लिए कुल मिलाकर के 22 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जिन्हें कुछ इस फील्ड का एक्सपीरियंस है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर यह जॉब लोकेशन जा सकती है। 42,000 से लेकर के 51,590 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 11 से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर सीनियर अकाउंट ऑफिसर और मैनेजर्स के लिए 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। CA, CMA, MBA और LLM के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है और दिल्ली जॉब लोकेशन रहने वाली है। 50,000 रुपये से लेकर के 1,60,000 रुपये यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 12 से इसरो की तरफ से, जो कि टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट अटेंडेंट फायरमैन और ड्राइवर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई। काफ़ी बड़ी ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है दोस्तों और कुल मिलाकर के 181 यानी कि 181 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट और बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है इन वैकेंसीज में, हालांकि कुछ वैकेंसीज के लिए 35 साल भी एज लिमिट रखी गई है। बेंगलुरु यहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 44,900 रुपये पर मंथ यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 20 से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, यानी कि DFCCIL की तरफ से, जहां पर असिस्टेंट मैनेजर्स जूनियर मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। ये भी एक बड़ी नोटिफिकेशन है और कुल मिलाकर के 124 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बैचलर्स ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और MBA के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल और 30 साल यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट्स देखने को मिलने वाली हैं। न्यू दिल्ली यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 50,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है और ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 22 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यानी कि IOCL की तरफ से, जहाँ पर अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। कुल मिलाकर के 21 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 12th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। साउथ रीजन में ज़्यादातर यहां पर ये जॉब लोकेशन रहने वाली है।
तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, IOCL की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी ऑफर की जाएगी और ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 26 से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की तरफ से, जहां पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भी एक बड़ी नोटिफिकेशन है, कुल मिलाकर के 88 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए 10th डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 साल और 30 साल यहाँ पर एज लिमिट आपको देखने वाली है और खड़गपुर इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 3 से लेकर के लेवल 8 तक यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है, यानी कि तकरीबन 21,700 रुपये से इनिशियल सैलरी होगी जो कि स्टार्ट होगी और तकरीबन 65,000 रुपये तक ये सैलरी जाती है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 28 से आ रही है, बालमेल लॉरी कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर जूनियर ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। कुल मिलाकर के 4 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए डिप्लोमा, ग्रेजुएट जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और कोलकाता जॉब लोकेशन रहने वाली है। 21,750 से लेकर के 65,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। www.balmellorry.com ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से पेज नंबर 28 से, जहां पर मरीन फिटर, वेल्डर, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्नीशियंस और मैनेजर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 43 यानी कि 43 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ITI ग्रेजुएट 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल और 47 यानी कि 47 ईयर्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलने वाली है। गोवा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 15,000 से लेकर के 57,000 रुपये यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है और ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 29 से, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। कुल मिलाकर के 41 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ITI कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है और केरला इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहूँगा कि जो वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 11 और 12 मार्च 2020 को, लेकिन इस वॉक इन में अपियर होने से पहले आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ अटैच में आपको मिलेगा उसको भर करके PDF फॉर्म में आपको ईमेल ID एक दी जा रही है। उस ईमेल ID पर आपको 6 मार्च 2020 तक ईमेल करके और अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ वॉक इन में अपियर हो जाना है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 30 से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहां पर ड्राफ्ट्समैन के लिए 6 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ITI, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिन भी कैंडिडेट्स के पास है इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और देहरादून इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है जो कि 25,500 से 81,100 तक जाती है। अलाउंसेस अलग से होंगे। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। 7 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 34 से, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न्यू दिल्ली यानी कि BSF की तरफ से, जहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं वाटर विंग के लिए। कुल मिलाकर के 317 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एक बड़ी नोटिफिकेशन है। 10th से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 28 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है।
ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है दोस्तों, देश के आप किसी भी हिस्से में हैं, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर रिक्रूटमेंट आपको देश के किसी भी हिस्से में जाना हो सकता है। लेवल 3 से लेकर के लेवल 6 तक यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है और ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। 15 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके बाद के पेजेस भी दोस्तों एडिटोरियल पेजेस हैं और उनमें भी रिक्रूटमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। तो ये थी कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दोस्तों आपके लिए इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और साथ ही अगले शनिवार को अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।